चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमारे हॉर्नबिल बुक का, जो आपके क्लास 11th में यूज हो रहा होगा ऑफ कोर्स इंग्लिश के लिए। तो ये जो स्टोरी है इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने बताया है कि उनका और उनकी ग्रैंडमदर का रिलेशन कैसा था। मतलब यहाँ पे जो लेडी है वो उनकी ग्रैंडमदर है, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है फ्रेम, फोटो फ्रेम या फिर एक पिक्चर समझ लो। तो यहाँ पे बेसिकली खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताएंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर ही देना, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। शेयर का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दूसरों की ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड लेडी थी, और वो अपने ग्रैंड मदर को पिछले 20 साल से जानते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि लोग उनकी ग्रैंड मदर के बारे में बातें करते थे कि वो एक समय में बहुत ही यंग और प्रिटी दिखा करती थी, और वो ये भी कहते थे कि उनका एक हस्बैंड भी था, पर ये सब बात उनके लिए हार्ड टू बिलीव था। मतलब वो इस सब बातों पे बिलीव नहीं कर सकते थे, यकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मॉम जो थी उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी अगली दिखती थी, क्योंकि वो ऑफकोर्स एजेड हो गई थी। और उनके जो ग्रैंड फादर थे उनका भी पोर्ट्रेट यानी कि उनका तस्वीर लगा हुआ था उनका ड्राइंग रूम में, क्योंकि उनका डेथ हो गया था। अब वो बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर उनके ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, उस तस्वीर में वो बड़े से टर्बन पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, और उनकी लंबी लंबी वाइट दाढ़ियाँ भी थी जो उनके चेस्ट के कुछ पार्ट को कवर करता था, और वो कम से कम 100 साल के तो लगते ही थे। अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनके बीबी बच्चे होंगे, बल्कि ये लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, यानी कि वो काफ़ी एजेड दिखते थे। इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो एक समय में बहुत ही यंग और प्रिटी होगी। ये थॉट इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्टिंग है, यानी कि इस चीज़ के अगेंस्ट जाता है, इसलिए वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। फिर ऑथर कह रहे हैं कि उनकी दादी आती थी और उन्हें बताती थी कि वो जब छोटी थी बचपन में वो कैसे खेला करती थी। फिर वो बता रहे हैं ये सब सुन के उन्हें ऐसा लगता था, यानी कि ये सब सुन के उन्हें बहुत ही इलॉजिकल और डिसरिस्पेक्टफुल वाली फीलिंग आती थी, और ऐसा लगता था कि कोई सेंट यानी कि कोई पुजारी आके हमें मॉरल स्टोरीज पढ़ा रहा है। फिर ऑथर कह रहे हैं कि वो अपनी दादी को 20 साल से जानते हैं, और वो 20 साल से काफ़ी छोटी मोटी और थोड़ी बेंट है। यार बूढ़े लोग हल्के बेंट होते हैं, आप लोग पता ही होगा, मतलब एकदम सीधे नहीं होते हैं, एज के अनुसार ऐसा हो जाता है। तो वही अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं उनके पूरे फेस में किस क्रॉस था फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि पूरे फेस में क्रिस क्रॉस था, जो कि आमतौर पर बूढ़े लोगों में देखा जाता है। फिर वो बता रहे हैं कि वो इतनी ओल्ड थी, यानी कि उनकी दादी इतनी ओल्ड थी कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो किसी को देखे ही ना हो, और वो कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से उनमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। फिर ऑथर बता रहे हैं कि उनकी दादी व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर घर में इधर उधर बहुत ही अजीब तरीके से चला करती थी। उनके एक हाथ में रुद्राक्ष का माला रहता था, रुद्राक्ष कह सकते हो, जिसे बार बार वो गिनते रहती थी, और दूसरा हाथ उनके वेस्ट में रहता था ताकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस दे सके। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी दादी का सिल्वर लॉक्स यानी कि हेयर, उनकी दादी का जो हेयर था वो काफ़ी अनटाइडी था, और वो हर समय गाना गाते रहती थी यानी कि प्रेयर गाते रहती थी, और बहुत ही इनऑडिबल वॉइस में, यानी कि उसे कोई सुन नहीं सकता था। फिर ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी दादी सुंदर नहीं थी। हाँ वो सुंदर थी। कैसे सुंदर थी? लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल और काम थी। फिर ऑथर बता रहे कि वो और उनकी ग्रैंडमदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब से ऑथर के पेरेंट्स सिटी में रहने चले गए थे तब से वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहते थे, और उनकी ग्रैंडमदर ही उन्हें सुबह में उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, उन्हें नहलाया करती थी, और साथ ही साथ स्कूल के लिए ड्रेसअप भी किया करती थी, और तब तक वो गाना गाने मतलब गाते रहती थी। और कौन सा गाती मतलब क्या गाती थी? प्रेयर गाती थी भगवान के लिए, और वो बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाती थी। वो ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें उनका आवाज़ बहुत ही पसंद था, पर उन्होंने कभी भी उस प्रेयर को सीखना नहीं चाहा, और उनकी दादी ये सोचती थी कि शायद ये मेरी गाना सुन सुन के ये प्रेयर को सीख ले, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा।
फिर ऑथर बता रहे हैं कि जब वो तैयार हो जाते थे स्कूल जाने के लिए, तब उनकी दादी उन्हें वुडन स्लेट देती थी जो कि वो पहले से धो के रख देती थी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जैसे हम लोग कॉपी यूज़ करते हैं, उस समय कॉपी यूज़ नहीं होता था, उस समय बच्चे वुडन स्लेट में लिखा करते थे। तो वही ऑथर भी बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी दादी उन्हें येल्लो चौक देती थी, अर्थन पॉट, इंक पॉट यानी कि मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट देती थी, साथ ही साथ रेड पेन देती थी, और वो सबको एक बंडल में बांध कर उन्हें दे देती थी। और फिर उनका ब्रेकफास्ट पैक करके जिसमें एक चपाती होता था जिसमें बटर लगा हुआ रहता था और शुगर, बटर और शुगर लगा रहता था, उन्हें वो दे देती थी स्कूल ले जाने के लिए। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ ख़राब चपाती जो पिछले रात की होती थी उनकी दादी उसे रख लेती थी ताकि वो कुत्ते को दे सके जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त। फिर ऑथर कह रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी और स्कूल के बगल में एक टेम्पल भी था। फिर वो कह रहे हैं कि वे पृष्ठ द्वारा अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखा करते थे। बस वही नहीं, उनके साथ साथ जो भी बच्चे आया करते थे वहाँ पे, वो सभी मिलकर एक जगह पे बैठकर वरांडा के बगल में सभी मिलके गाया करते थे मॉर्निंग प्रेयर को। और तब तक मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बगल वाली टेम्पल्स में बैठ कर स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। और फिर वो कह रहे हैं जब हम लोग दोनों ख़त्म कर लेते थे अपने अपने काम को, फिर हम लोग दोनों साथ में डोर की तरफ बढ़ते थे और साथ ही साथ घर जाने लगते थे। फिर वो कह रहे हैं कि जब वो घर जाने लगते थे तब उनके पास जो सूखी रोटी रहती थी कल रात की, पिछले रात की, वो लोग दोनों लड़ते थे कि कौन पहले उस डॉग को देगा। फिर ऐसे वो लड़ते लड़ते घर को पहुंचते थे। अब ऑथर बता रहे कि जब उनके पेरेंट्स कम्प्लीटली सिटी में सेटल हो गए, यानी कि उन्होंने वहाँ पे घर खरीद लिया और अलग अलग एसेट खरीद लिया, तब उनके और उनकी ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप के बीच में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये अलग बात है कि अभी भी वो सेम ही रूम में सोया करते थे सिटी में, पर अब वो लोग दोनों साथ में स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑथर को लेने मोटर बस आता था जिसमें ऑथर जो थे वो बैठ के जाया करते थे। अब स्ट्रीट में कोई कुत्ते तो थे नहीं जिन्हें वो चपाती खिला सकते थे। अब उनकी दादी माँ का जो टाइम पास टाइम था वो क्या था, वो स्पैरोज जो थे उन्हें रोटियों के दाने या फिर ब्रेड के छोटे छोटे दाना दिया करती थी। और जब उनकी दादी को पता चला कि उनके स्कूल में गॉड एंड स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो वो और भी उदास हो गई। फिर एक दिन जब ऑथर ने आके उनकी दादी को बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो वो बहुत ही गुस्सा और अंदर से उदास भी हो गई क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूजिक बहुत ही खराब चीज़ है और इसे बस बुरे लोग, भिखारी लोग और यही सब ऐसे ही लोग बस इसे मतलब गाया करते हैं और ये कोई जेंटलमैन जो है म्यूजिक नहीं सीखा करता। उस समय लोग ऐसा मानते थे पर अभी ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग म्यूजिक के बल पे ही कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो आज के ज़माने में ये सब हो सकता है आप लोग रिलेट नहीं कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो बता रही कि धीरे धीरे साल पे साल बीतते गए और तब भी उनकी दादी ही उन्हें तैयार किया करती थी और स्कूल भेजा करती थी। वो ये भी बता रहे कि उनकी दादी उनसे हमेशा पूछा करती थी जब वो स्कूल से वापस आते थे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा। फिर वो बताते थे अपने इंग्लिश वर्ड्स में कि उन्होंने साइंस एंड लर्निंग्स के बारे में पढ़ा, अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर और बहुत कुछ पढ़ा। तो ये सब सुन के उनकी जो दादी थी वो काफ़ी अपसेट हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी क्योंकि उन्हें इन सब लेसन्स के बारे में कुछ नहीं पता था और वो इन सब चीज़ों को ऑथर को समझा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो इन सब बातों से बहुत ही अनजान थी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो बहुत ही अनजान थी। अब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए, वहाँ पे उन्हें सेपरेट रूम दे दिया गया। इससे क्या हुआ, उनके और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था अब वो भी ख़त्म हो गया। ये सब के बाद ग्रैंड मदर, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को समझा, उन्होंने जाना कि अब उन्हें प्राइवेट रहना पड़ेगा, दूसरों लोगों से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए उनकी जो ग्रैंड मदर थी अब हमेशा स्पिनिंग व्हील के पास बैठे रहती थी, कुछ कुछ बुनते रहती थी यानी कि स्पिन करते रहती थी। बस वो एक ही टाइम ब्रेक लेती थी, वो था दोपहर के समय जब वो स्पैरोस को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े दिया करती थी और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जो स्पैरो है वहाँ पे आके बैठा करते थे और उस छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस को लिया करते थे और खाया करते थे। फिर ऑथर बता रहे हैं कि कुछ स्पैरोस आते थे और उनकी ग्रैंडमा के सिर पर, कुछ उनके पैर पर, कुछ उनके शोल्डर पर आके बैठ जाते थे। ये सब देख के उनकी ग्रैंडमा काफ़ी खुश होती थी और उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी, मतलब वो जब स्पैरोस आके उनके ऊपर बैठते थे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। और ये जो दिन का उनका हाफ एन आवर था, जो जिस हाफ एन आवर में वो स्पैरोस को खाना देती थी और स्पैरोस आके उनके ऊपर बैठते थे, वो हाफ एन आवर उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर था।
फिर वो बता रहे हैं कि उन्हें फर्दर स्टडीज के लिए, यानी कि ऑथर जो है उन्हें फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड यानी कि दूसरे कंट्री जाना था। और ये सब वो जानते थे कि ये बात जब मेरी ग्रैंडमा सुनेगी तो उन्हें काफ़ी दुखी होंगी क्योंकि ये बिल्कुल मतलब उन्हें अकेला रहना पड़ेगा काफ़ी समय के लिए। और वो बता रहे कि उन्हें 5 साल के लिए मतलब फॉरेन जाना था। यहाँ पे ऑथर को डर भी लग रहा था कि जब वो 5 साल बाद वापस अपने घर लौटेंगे तो हो सकता है उनकी ग्रैंडमा जिंदा ना बचे क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी। फिर वो बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमा बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई जब वो उन्हें स्टेशन रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही थी। वो बहुत ही मतलब नॉर्मल बिहेव कर रही थी, कुछ वही मंत्र बड़बड़ा रही थी वो जो हमेशा बड़बड़ाती थी, फिर वो रुद्राक्ष का जो माला होता है उसे गिन रही थी और उनके साथ आए जा रही थी। एट द लास्ट मोमेंट वो बस उनके सिर पे किस करती है और ट्रेन वहाँ से चला जाता है। यानी कि ये जो उन्होंने किस किया ग्रैंडमा ने उनके फोरहेड पे, ऑथर के फोरहेड पे, ये लास्ट साइन था फिजिकल कॉन्टैक्ट का। ऐसे ऑथर को लग रहा था कि हो सकता है अब मैं वापस ग्रैंडमा से नहीं मिल पाऊँ कभी, तो हो सकता है ये मेरे और ग्रैंडमा के बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है ये लास्ट है। पर ऐसा नहीं होता है। ऑथर कुछ समय बाद यानी कि 5 साल बाद वापस अपने घर लौटते हैं। ऑथर अपनी ग्रैंडमा को उसी स्टेशन पे मिलते हैं। फिर वो जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो इन 5 साल में कुछ चेंज हुआ ही ना हो। वो अभी भी वही मंत्र बड़बड़ा रही थी, हाथ में रुद्राक्ष का माला लेके उसे गिन रही थी और मतलब सब कुछ सेम था, कुछ भी अंतर नहीं आया था। और इस जब वो ऑथर जो है उनके अपने घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि इस बार भी उनका जो हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर है वो वही है, स्पैरोज को खाना देना और जब स्पैरोज आके उनके ऊपर बैठते हैं। बस इस बार उन्होंने बस एक ही चेंज नोटिस किया जब ग्रैंडमा ने आसपास की वुमेन को इकट्ठा किया और वो सब मिलके ड्रम बजाने लगे, गाना गाने लगे। तो ये सब देख के ऑथर को थोड़ा सा अलग लगा, बाकी सब कुछ सेम था। उनका रूम भी एकदम सेम था जैसा वो छोड़ के गए थे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भला वो ऐसा क्यों कर रही थी, ड्रम क्यों बजा रही थी, औरतों को बुला के ऐसा क्यों कर रही थी। तो यार इसका बस एक ही आंसर है, इट्स हर चॉइस। अब देखो क्या हुआ, उनकी जो दादी थी वो ढोल को जोर जोर से बजा रही थी और बजाते जा रही थी बहुत देर तक, और वो गाना भी गा रही थी। वो क्या गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि जो ब्रेव लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं उनके उनके ब्रेवरी के बारे में ये सब वो गाना गा रही थी। ये सब देखने के बाद ऑथर है और उनकी जो मदर है वो सब आके उनकी ग्रैंडमा को परस्यूड करती है, यानी कि रिक्वेस्ट करती है कि आप ये सब करना बंद करो, कोई भी काम को लगातार मत करो, यानी कि ओवर स्ट्रेनिंग मत करो। पर ये सब सुनने के बाद भी उनके ग्रैंडमा नहीं रुकती है और ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ग्रैंडमा को इस रूप में देखा था जब वो प्रे नहीं कर रही थी, वरना पहले वो जब भी ग्रैंडमा को देखते थे तो वो हमेशा प्रे करते रहती थी। और पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंडमा जो है वो गा रही है और ड्रम बजा रही है, ढोल बजा रही है। फिर उन्हें ये भी बात ऑफकोर्स आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि उनकी ग्रैंडमा बोलती है कि ये गाना गाना और ये सब अच्छा काम नहीं है, मैंने बताया था आपको। तो ऐसा ऑथर ने देखा कि उनकी ग्रैंडमा खुद ऐसा कर रही है तो उन्हें भी काफ़ी अजीब सा लगा। अगला दिन क्या होता है कि उनकी ग्रैंडमा बीमार पड़ जाती है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा को मिल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। पर उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो अलग ढंग से सोचती है और कहती है कि मेरा एंड अब नियर है, यानी कि मेरा डेथ होने वाला है, इसलिए वो अब प्रे नहीं करना चाहती, ना ही तुम लोगों से यानी कि ऑथर से और उनकी मम्मी से बात कर टाइम वेस्ट करना चाहती है। वो बस सोए रहना चाहती है अपने बेड में और जाप करना चाहती है, और वो वैसा ही करती है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि ऑथर और ऑथर की मम्मी प्रोटेस्ट करती है कि प्लीज़ आप हमसे बात करें और ऐसा ना सोचो। पर फिर भी उनकी जो ग्रैंडमा जो थी वो किसी का भी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर देती है और वो अपने में व्यस्त रहती है, वो माला का जाप करने लगती है। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो साइलेंट हो गई है, यानी कि वो अब माला का जाप नहीं कर रही है, उनका लिप्स साइलेंट हो गया है और उनके हाथ में जो माला था, हो सकता है रुद्राक्ष वो जो था वो गिर जाता है। तो ये सब देख के हम जान जाते हैं कि अब उनका डेथ हो चुका है। फिर ऑथर की ग्रैंडमा को रीति रिवाज के अनुसार बेड से उतारा गया, जमीन पे रखा गया, उन्हें रेड श्राउड यानी कि लाल कलर के कपड़े से
कवर किया गया और हम सभी यानी कि ऑथर, ऑथर की मम्मी और फैमिली में जो भी लोग थे सभी चले गए उनकी फ्यूनरल के अरेंजमेंट के लिए। यानी कि जो जलाया जाता है मुर्दों को, आपको पता ही होगा, जो जिनका डेथ हो जाता है उन्हें जलाया जाता है, हिंदू रिचुअल्स में ऐसा होता है। तो उसी के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए सभी लोग चले गए कुछ घंटों के लिए, और फिर सारे अरेंजमेंट करके वे आते हैं। फिर शाम को पूरा परिवार दादी माँ के डेड बॉडी के पास आता है। दादी माँ के डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं। फिर वो एक बात की और जिक्र कर रहे हैं कि उस समय जो सन की लाइट थी वो काफ़ी डेंस थी। उस समय सन सेट कर रहा था, ऑफकोर्स इवनिंग का टाइम था, और उस समय जो लाइट था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था और उनके डेड बॉडी के पास पूरा लाइट बिखरा पड़ा था। फिर वो एक और चीज़ पे गौर करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज उनकी दादी माँ के डेड बॉडी के आसपास बैठे हुए हैं। ये सब देख के उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है। फिर उनकी जो ऑथर की जो मॉम है वो स्पैरोज को देखती है और उन्हें अंदर से थोड़ा दया सा आता है, इसलिए उनकी मॉम ब्रेड के क्रम्स को लेके आती है और स्पैरोज के सामने बिखेर देती है। पर एक भी स्पैरो जो था वो ब्रेड क्रम्स की ओर ध्यान नहीं देता है, और सभी के सभी स्पैरोज जो थे वो बिल्कुल शांति से डेड बॉडी के पास बैठे हुए थे। फिर अगला दिन सुबह होता है, उनके फ्यूनरल यानी कि दादी माँ के जो भी रीति रिवाज है उसे पूरा किया जाता है। फिर स्पैरो वहाँ से, जो जितने भी स्पैरोज थे वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे स्वीपर आता है, सारे ब्रेड के क्रम्स को एक जगह कलेक्ट करता है, फिर उसे डस्टबिन में डाल देता है। और गाइज, इस तरह से हमारा स्टोरी खत्म होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता ही होगा। तो गाइज मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एंडिंग सॉन्ग गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।